हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड, और चैप्टर थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक में बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर पढ़े हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हेडिंग डालिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। इसके अंदर एडवांटेज देखेंगे क्या होता है, फिर हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे, आउट हो गया है, इसको सही कर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या रहो, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर तो हमको पता ही है क्या होता है, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन से बनता है, पॉलीमर से बनता है। सो मेनी पॉलीमर्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है बेटा, फाइबर बनता है। कैसा फाइबर? सिंथेटिक फाइबर। ये हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज देखो, फर्स्ट इसका फर्स्ट एडवांटेज है, दे हैव हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो। They have high luster and do not become yellow with is, ठीक है। दिख रहा है सबको? हेलो, चलो अगर आप लोग सब लोग आ गए हो तो लिखना शुरू कर दो बेटा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करता हूँ इसको। सेकेंड पॉइंट ये बेटा, डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, डू नॉट श्रिंक on इसको जब आप वॉश करोगे तो सिंक नहीं होंगे, ठीक है। मतलब वो नहीं सिकुड़ेंगे, ठीक है। दे लास्ट लॉन्गर एज दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर,
compared to natural fiber. Fourth, they are easy to clean and dry to clean. ठीक है. फिफ्थ नंबर लिखो, दे आर द लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर से थोड़ा इसका लो कॉस्ट होता है. ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से. ये आपके एडवांटेज थे. सबसे पहला था दे हैव हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो विद एज. उसके बाद लस्टर मतलब काफ़ी ब्राइटनेस होता है बेटा, है ना, चमकीला होता है और वो एज के साथ येलो नहीं होता है. जैसे जो कॉटन फाइबर होता है नेचुरल फाइबर, वो येलो हो जाता है एज के साथ कुछ टाइम बाद, बट ये जल्दी येलो नहीं होता है. और ये सेकंड नंबर है, डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग. वॉशिंग के बाद सिकुड़ता नहीं है इजीली. ठीक है, दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर. ये नेचुरल फाइबर से काफ़ी लॉन्ग चलने वाला फाइबर है. दे आर इजी टू क्लीन. इसको साफ करना बहुत ही आसान है और इसको सुखाना भी बहुत आसान है. दे आर द लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर. ये नेचुरल फाइबर से सस्ता भी है. ठीक है, सो इसके ये अब तक बेटा लिखो यहां से डिसएडवांटेज. ये लिखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा मिटा दिया और ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर. सो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखेंगे. इसके अंदर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऐड करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट लिखो, they easily melt or burn. They easily melt or burn. So there is always a risk of. Getting burnt while wearing synthetic cloth. आप लोग लिखते जाइए, मैं मिटाता जाता हूँ थोड़ा थोड़ा. सेकेंड पॉइंट लिखो बेटा डिसएडवांटेज है ये, है ना, क्या होता है इजिली बर्न हो जाता है और प्लास्टिक की तरफ होता है वो, शरीर के अंदर चिपक जाता है बेटा. ठीक है, सो इसको हम लोग सभी जगह पे यूज नहीं कर सकते. जैसे आप अगर किचन में, है ना, मम्मी या सिस्टर कोई खाना बना रहा है
तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए किचन के अंदर, ठीक है। दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट, दे डू नॉट ऑब्जर्व they do not observe sweat, so they are very uncomfortable, so they are very uncomfortable, ठीक है। During summer and during summer and rainy season, during summer rainy season, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है कि पहले तो स्वेट को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। सो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है ये, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर समर के टाइम में काफ़ी पसीने होते हैं, ठीक है, स्वेट होती है, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्व नहीं कर पाता है ये, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर चिपक जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। सो हम लोग इस तरह से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। थर्ड नंबर, they are not biodegradable, they are not biodegradable, biodegradable का मतलब बेटा बेटा कि हम लोग इसको रीयूज नहीं कर सकते और ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं कर सकते हैं, इस चीज को सॉइल के अंदर ही मिक्स नहीं होता है, and hence cause lot of pollution, and hence cause lot of pollution, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, काफी pollution हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता है। जब इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा कि इससे बहुत ही टॉक्सिक स्मोक निकलेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देंगे। अगर इसको सॉइल के अंदर डालते हैं तो ये क्या करेंगे, सॉइल को क्या करेंगे, उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। फोर्थ नंबर, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, they get electrically charged in weather, मतलब क्या होता है कि जब आप सोते हो तो इस टाइप का सिंथेटिक क्लोथ कपड़ा में इस तरह से नाखून इस तरह से आप है ना स्क्रैच करना उसको, सो आप लोग को स्पार्क नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, स्पार्क। तो वो क्या होता है बेटा, वो ड्यू टू चार्ज होता है, जो स्पार्क निकलते हैं वो चार्ज होते हैं। उससे क्या हो सकता है कि स्किन डिजीज हो सकता है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस मे बी, देखो दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस मे बी स्किन प्रॉब्लम्स maybe
skin problems in some reason. यहाँ पे इतना ही लिखा है skin problems, ठीक है. सो ये इसके डिसएडवांटेज थे. आपको पता चल गया होगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसलिए हम लोग लार्जली ज़्यादातर यूज नहीं कर सकते, लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, वो तो यही करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होता है इस कंपेयर टू नेचुरल फाइबर से, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होता है ना. अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक. प्लास्टिक के अंदर क्या क्या हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके गुण हैं, ठीक है. उसके गुण के बारे में जानेंगे कि प्लास्टिक के अंदर क्या क्या है, ठीक है. सो आई थिंक आप लोग ऊपर से दो तीन लाइन तो लिख लिए होंगे. लिखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक. ठीक दिख रहा है आपको, दिख रहा है. फर्स्ट नंबर लिखो केमिकल रेजिस्टेंस. केमिकल रेजिस्टेंस. सिंथेटिक फाइबर आर हार्डली इफेक्टेड सिंथेटिक फाइबर्स आर हार्डली इफेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग केमिकल लाइक एसिड एंड बेस. बाई स्ट्रॉन्ग केमिकल लाइक एसिड एंड, ठीक है. देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग केमिकल लाइक एसिड एंड बेस हार्डली अफेक्टेड. मतलब आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा आपने लैब के अंदर कि जो केमिकल्स रखे जाते हैं जनरली उस वो ग्लास का कंटेनर होता है, शीशे का, अदरवाइज वो प्लास्टिक का कंटेनर होता है. बहुत सारे एसिड्स मार्केट में अवेलेबल है, वो किस में मिलते हैं, प्लास्टिक के अंदर मिलते हैं. क्यों, क्योंकि प्लास्टिक से जो केमिकल्स होता है वो इजिली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है. चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों ना हो, वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता. आप रिएक्शन आपको देखना है तो एक आप तांबे का कंटेनर लेना, तांबे के कंटेनर के अंदर वाटर डाला, वाटर के अंदर आप लेमन जूस डाल देना, लेमन डालना या फिर आंवले का जूस डाल देना, तो उसमें आपको रिएक्शन पता चल जाएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगा. समझ गए ना, कैसा लगा, बेसिक कड़वा लगेगा एकदम. तो क्यों लगा, क्योंकि जो तांबे का जो बर्तन है ब्रॉन्ज है ना, वो क्या हुआ, रिएक्ट कर गया, ठीक है. लेकिन प्लास्टिक के अंदर जब आप डालोगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, और वो जैसा आप उसके अंदर रखोगे वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, वेदर रेजिस्टेंस. वेदर रेजिस्टेंस.
सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये तो पता है। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, जो भी लिख रहे हैं लिख सकते हो, ठीक है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझते हो, ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका था ये। थर्ड पॉइंट, लाइट वेट, लाइट वेट, दे आर मच लाइटर इन वेट, दे आर मच लाइटर इन वेट एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की जगह पे आप प्लास्टिक प्लास्टिक के ऊपर फाइबर भी, ठीक है, दोनों है ना, नेचुरल फाइबर, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल सच एज मटेरियल नेचुरल फाइबर है ना, नेचुरल मटीरियल सच एज जूट एंड कॉटन, ठीक है, जूट एंड कॉटन, या फिर जूट कॉटन एंड वूलन, ठीक है। तो या लाइट वेट मतलब आप जूट से भी लाइट वेट रहेगा इसका, ठीक है, कॉटन से भी लाइट वेट रहेगा, वूल से भी लाइट वेट रहेगा, किसका, सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। अब लिखो टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन रेजिस्ट अ लॉट ऑफ फोर्स, दे कैन resist a lot of force without getting broken, without getting broken। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा कि इसीलिए तो इसका रोप बनते हैं, रोप रस्सियां होती है ना, वो बनती है इससे। क्यों बनती है? क्योंकि उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ होता है और उसको आप ऐसे खींच करके फोर्स लगा करके उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं रोप बनाने, ठीक है। अब लिखो फिफ्थ नंबर, इंसुलेशन, ठीक है। सिंथेटिक प्लास्टिक आर फॉर सिंथेटिक
प्लास्टिक आर फोर सिंथेटिक प्लास्टिक आर फोर बेटर विद रिस्पेक्ट टू वेदर विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ठीक है. इट इज द रीजन टू कवर conducting wire with plastic. Conducting wire with plastic. ठीक है. इसलिए हम लोग इसका इंसुलेशन करते हैं. जब आप वायर देखोगे ना, वायर के जब देखोगे वायर को, उससे इंसुलेटिंग मटेरियल हटा करके उसके अंदर क्या होता है, कॉपर होता है. ठीक है. अगर वो कॉपर ऐसे हम लोग छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकती है किसी को भी, किसी के टच में आने से. ठीक है. सो उसको हम लोग इंसुलेट करते हैं, और सबसे इजी इंसुलेशन हो सकता है प्लास्टिक. ठीक है. नोट करो इसको. आई थिंक थोड़ा बहुत आपने लिख लिया होगा. हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक या फिर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक
सिंथेटिक प्लास्टिक फर्स्ट, थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक्स, ये दो तरह के प्लास्टिक होते हैं आपके पास। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स को हम लोग रिशेप कर सकते हैं। सपोज करो, जैसे मान लो कि एक हमारे पास इस टाइप का है ना, इस टाइप का मटेरियल है हमारे पास। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक का है। इसका बेटा ये थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल, इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। मेल्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसको मेल्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन जो थर्मोसेटिंग मटेरियल होता है ना, थर्मोसेटिंग मटेरियल बेटा, अगर सपोज करो ये हमारे पास ब्लॉक है, जब आप इसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो ये बर्न हो जाएंगे, और बर्न करके क्या बन जाएगा आपको, मतलब इसके पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, इसके पाउडर बन जाएंगे। तो हम लोग इसको रिशेप भी नहीं कर सकते हैं और रीयूज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, जैसे अच्छा वैकेलाइट या फिर थर्मोसेटिंग मटेरियल का मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, जो प्रेशर कुकर होता है, कुकर के जो हैंडल, सबने देखा होगा आपको प्रेशर कुकर सबने देखा। जो प्रेशर कुकर में जो ब्लैक कलर का मटेरियल यूज होता है वो थर्मोसेटिंग मटेरियल होता है बेटा, थर्मोसेटिंग मटेरियल वैकेलाइट का होता है, या फिर आप नॉन स्टिक पॉट के अंदर है ना, जो उसके हैंडल होते हैं उसको कोटिंग किया जाता है थिक लेयर से। ठीक है, तो वो मटेरियल आपको थर्मोसेटिंग मटेरियल कहलाते हैं। उसको हम लोग रिशेप नहीं कर सकते, रीगेन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिखो रिशेप बाय हीटिंग एंड कूलिंग। इसमें रिशेप बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, जैसे पीवीसी, जैसे आपको क्या हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स हो गए। ठीक है, नाइलोन हो गए, ये सब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग में आ गया बेटा। कैन नॉट बी रिसेप्ट, इसके एग्जांपल में आए वैकेलाइट, मेलामाइन, वैकेलाइट। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। वैकेलाइट को हमने बताया आपको, जो प्रेशर कुकर के हैंडल में होते हैं। ठीक है, ये मटेरियल्स है। ठीक है, जो किस नेचर के होते हैं इसको हम लोग रिशेप नहीं कर सकते हैं। इसको थर्मोसेटिंग मटेरियल को हम लोग रिशेप नहीं कर सकते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक होंगे उसको हम लोग रिशेप कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस, लिखो बेटा कॉमन प्लास्टिक, हेडिंग डालो कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस। ये लॉन्ग चैप्टर था,
सबको पता होगा, जब आप बुक देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। बट इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, जितने सारे आपने पढ़े हैं, आप जब 12th क्लास में जाओगे तो जो थियोरी पार्ट है, थियोरी पार्ट उसमें काफ़ी चीज़ें मैच करेंगी, ठीक है। थर्मोस्टेटिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, बेटा आपको लॉन्ग टाइम तक पढ़ना है आपको, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न करो और समझो चीज़ों को। मैं एक चीज़ बिना समझाए हुए तो मैं कोई चीज़ बताता ही नहीं स्टूडेंट को, ठीक है। तो देखो कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस, हम लोग कॉमन प्लास्टिक का मतलब होता है बेटा कि जो प्लास्टिक हम डेली लाइफ में अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, जैसे बॉटल हुआ, बकेट हुआ, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, पाइप हो है ना, जो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। और इसके यूजेस देखेंगे हम लोग, क्या क्या इसके यूजेस हैं। देखो फर्स्ट पॉलीथीन के बारे में जानते हैं, आपको सबने पढ़ा होगा पॉलीथीन। सबने देखा भी होगा, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आप कैरी बैग यूज करते हो, जैसे मार्केट से सब्जियां लाना हो गया, ठीक है, तो कैरी बैग इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है जो आप सबने देखे होंगे, ठीक है। तो पॉलीथीन इट इज प्रिपेयर्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ, पॉलीथीन कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, यहां पर ठीक है, इथीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, विच इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, विच इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, विच इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉन बायो इट इज नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बेटा कि ये सॉइल में मिक्स नहीं हो सकता है, सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो सकता है, आप चाहे कितना भी टाइम के लिए उसके अंदर रख दो वो बायोडिग्रेड नहीं होगा, समझ गया ना। कहने का मतलब है कि सॉइल के अंदर कब मिक्स होगा, जब इसके छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे और इसको इसका डिकम्पोजिशन होगा बेटा। सो कौन, कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो इसको डिकम्पोज कर सकता है, सो इसलिए ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो इसके यूजेस लिखो, यूजेस फर्स्ट फॉर मेकिंग कैरी बैग्स टेप्स, फॉर making carry bags tapes, second number लिखो for making
बॉटल्स। थर्डली को इसमें इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर। फोर्थ नंबर एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन आर्टिकल्स, एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ कॉपर। Made up of जो कॉपर के बने मटेरियल, देखो जो कॉपर के बने मटेरियल होते हैं जब आप उसको एयर के कॉन्टेक्ट में छोड़ोगे तो वो एयर से रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर क्या है? मेटल है। तो वो ऐसा मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में जाने से वो क्या करता है? रिएक्ट करता है। किससे? ऑक्सीजन से। सो जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा उसके चारों तरफ ग्रीनिश पैचेस आ जाएंगे, ठीक है, वो ग्रीन ग्रीन आपको दिखने लगेगा। तो वो ग्रीन पैचेस आपके क्या है? कोरोजन है। क्या है? कोरोजन है, रस्ट है, रस्टिंग हुआ है आपका जो मेटल आपका रस्टिंग हुआ। ऐसे होते होते आपका जो कॉपर है बेटा वीक हो जाएगा। आपको पता ही है कॉपर थोड़ा कॉस्टली भी होता है, और जो इसके मटेरियल बनाए जाते हैं उसके चारों तरफ से कोटिंग कर दिया जाता है किसका? प्लास्टिक का, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो प्लास्टिक जो आपको पता है कि एयर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, नहीं कोई केमिकल से रिएक्शन होता है और नहीं कोई मतलब नहीं कोई मेटल से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसको। ये चार आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बॉटल्स बनाने के काम में आता है इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर जो आप घरों में यूज करते हो देखते हो कि उसके अंदर जो वायर होता है ना, जो कंडक्टिंग वायर होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है, वो कवर होता है किससे? इंसुलेटेड होता है प्लास्टिक से, ठीक है। तो ये आपके पॉलीथीन हो गए। सेकेंड नंबर पॉलीप्रोपीन, ठीक है, सेकेंड नंबर है पॉलीप्रोपीन। इसको मैं रफ करता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे आई थिंक। सेकेंड नंबर प्रोपीन, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका? प्रोपीन का, ठीक है। अब जो प्रोपीन क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो प्रोपीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं? पॉलीप्रोपीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीप्रोपीन बनाते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस लिखो, यूजेस
दे कैन नॉट मिक्स इन सॉइल। हाँ ध्रुव ने करेक्ट आंसर दिया है, ये बेटा सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो पाता है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, के साथ साथ आपके जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे पॉलीमराइजेशन, देखो एक चैप्टर ही होता है बेटा पॉलीमराइजेशन, ट्वेल्थ क्लास में जाओगे केमिस्ट्री में आएगी पॉलीमराइजेशन, ठीक है एक चैप्टर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और बेसिक बेसिक चीज़ ये भी आपको पढ़ने हैं वहाँ पे। सोचो आप एट्थ क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है लिखो यूजेस, फर्स्ट लिखो यूज फॉर मेकिंग रोप्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। सेकंड नंबर फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक सिंथेटिक कारपेट्स, ठीक है इसको सिंथेटिक कारपेट बनाने के यूज कारपेट बनाने के यूज भी करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है थर्ड वन इज इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है जो ऑटोमोबाइल्स का मतलब बेटा बेटा जो आप गाड़ियां देखते हो बाहर, ठीक है या बाइक हो गए या फिर मोटर कार हो गया या फिर उसके वेट को लाइट करने के लिए, उसके वेट को लाइट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि उसका वेट भी लाइट हो और स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है तो हमें उसमें बेनिफिट होता है कि उसका वेट कम हो जाता है और जितना कॉस्ट उसका आना चाहिए उससे इनकम्पेरेटिवली कम कॉस्ट में हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस थे किसके पॉलीप्रोपीन के, अब इसको नोट करो फिर मैं पीवीसी के बारे में बताता हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। हम लोग अब लास्ट आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में, ठीक है पीवीसी जिसको बोलते हैं,
पीवीसी पाइप्स आती है बेटा जो वाटर सप्लाई, जनरली वाटर सप्लाई के यूज में लेते हैं उसको, ठीक है। काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हुई, पहले हम लोग मेटल यूज़ करते थे इस चीज़ को, काफ़ी हमारे लिए कॉस्टली होता था वो, अब हम उसको पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो देखो थर्ड वन इज पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, देखो इट इज prepared by, it is prepared by polymerization of vinyl chloride, polymerization of vinyl chloride, ठीक है। विनाइल क्लोराइड क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल है, इट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके जितने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमारा बनता है, पीवीसी बनता है, क्या बनता है, पीवीसी। पीवीसी क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड मटेरियल बेटा, है ना। इसके यूजेस के बारे में लिखोगे आप लोग, यूजेस, यूजेस ऑफ पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉली विनाइल क्लोराइड इसके यूजेस फर्स्ट लिखो, फर्स्ट फॉर मेकिंग हैंड बैग्स, फॉर मेकिंग handbags, raincoats, ठीक है। handbags बनाने के काम में आता है और raincoat भी इससे बनता है पीवीसी, ठीक है। क्योंकि ये वाटर अपने से पास नहीं होने देता है, ये वाटर रेजिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है। आप रेनकोट पहनते हो तो आपके अंदर पानी थोड़ी ना आता है, नहीं आता ना, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, वाटर को एंटर नहीं होने देता ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, मेकिंग सोल्स ऑफ शूज, मेकिंग सोल्स ऑफ शूज। क्या आपको इसे पहले पता था कि जो शूज के सोल होते हैं वो किस मटेरियल से बनते हैं, नहीं पता होगा आई थिंक आप लोगों को, कोई बात नहीं, जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं पता होगा बेटा आप उसको लिख सकते हो, ये पीवीसी से बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल, ठीक है। थर्ड वन इज फॉर मेकिंग वाटर पाइप, फॉर मेकिंग वाटर पाइप, वाटर पाइप भी बनाया जाता है, आपने पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि वाटर सप्लाई एक जगह से दूसरे जगह अगर करना होता है तो हम लोग पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। वैसे जनरल पाइप भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है, बट वो ड्यूरेबल नहीं होता है, वो लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो पीवीसी पाइप होती है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है और सेफ होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर लिखो, फोर्थ नंबर, इट इज यूज एज सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ, इट इज used as superior insulation of electric wires, electric wires, जो electric wire होता है
जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, उसके इंसुलेशन में हम लोग पीवीसी का यूज़ करते हैं। दिख रहा होगा आई थिंक अब, ठीक है, पीवीसी का यूज़ करते हैं हम लोग उसके इंसुलेशन में, इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन में, ठीक है। सो आज हम लोग इतना ही तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये आपके चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग नेक्स्ट क्लास बिल्कुल अटेंड करना, है ना, मिस नहीं होना पाए। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है।